नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार के गांव सराय में बने न्यू मैक्स हॉस्पिटल का दिल दहला देने वाला मामला एक सामने आया है, जहां पर महिला ने ऑपरेशन के समय दम तोड़ दिया। ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मौतों का गुनहगार ये अस्पताल बन चुका है। अब सवाल ये बनता है कि क्या धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का ऐसा भी शैतानी रूप हो सकता है? अगर है तो फिर स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है? क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी नाकामी छुपा रहा है? सवाल बहुत बड़ा है, अमल अधिकारियों को करना है। वहीं सूत्रों द्वारा बताया गया है कि सीएमओ हरिद्वार को फोन किया गया, मगर सुबह से फोन पर कोई गौर नहीं किया गया। अगर स्वास्थ्य विभाग टाइम रहते हरकत में आ जाता तो शायद मृतक महिला की जान बच सकती थी। पौड़ी में घोड़ीखाल निसरी मोटर मार्ग पर एक वाहन से अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि चार लोग इस हादसे में घायल हो गए। वाहन में सवार सभी लोग चौकीसैंड तहसील क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों से मिलने डोबरिया गांव आए थे और इस गाँव में रिश्तेदारों से मिलने के बाद वापस चौकीसैंड जा रहे थे। तभी अचानक से वाहन घोड़ीखाल निसरी मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग और पुलिस ने एक शव को वाहन में सवार अन्य चार घायलों को खाई से निकाल कर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं चार घायलों में से तीन घायलों को हालत चिकित्सा से नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक घायल व्यक्ति की हालत सामान्य है। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बुलेरो जो है वो खाई में चली गई, यहाँ बुआ खाल के पास गाँव है, वहाँ चार लोग हैं। ये चार में से तीन क्रिटिकल में हैं, एक स्टेबल में, एक प्राइवेट गाड़ी से हैं। तीन जो हैं 108 से लाए गए हैं। अभी इनका सीटी और ट्रीटमेंट जारी है, उसमें से दो और भी ज़्यादा रिस्क में हैं, एक फिलहाल स्टेबल है। बस ये स्टेटस है, बाकी हम लोग लगे हैं। आज राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पैडल से तीन के अंतर्गत ग्राम चमकोट की सीमा अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पांच व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तथा चार अन्य घायल व्यक्तियों को 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय पौड़ी भेजा गया है। पौड़ी में कोरोना दौर से निपटने के लिए भोले जी महाराज और माता मंगला के संस्था हंस फाउंडेशन द्वारा कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के साथ मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, पीपी किट उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे नगर क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के इस दौर में कोरोना संक्रमित मरीजों को समय रहते उपचार मिल सके। साथ ही साथ पालिका कर्मी भी पूर्ण सुरक्षा के साथ शहर में स्वच्छता का ख्याल रख सकें। हंस फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी पद्मेंद्र सिंह बिष्ट की हंस फाउंडेशन देश के अलग अलग 23 राज्यों को आपदा के इस दौर में हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिससे इस भयावह महामारी से जल्द ही निपटा जा सके और आम जन को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस कोरोना महामारी में श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी आज देश के लगभग 23 राज्यों में इसी तरह का ये सामान बांट रहे हैं। और इस महामारी में क्योंकि उत्तराखंड उनका अपना प्रदेश है, इस पर उनकी विशेष निगाह है। तो जो सामान आज हमने यहाँ पर दिया है, मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, शील्ड मास्क दिए हैं और कंसंट्रेटर दिया है और ये वेपोराइजर दिया है और ऑक्सोमीटर दिया है, पीपी किट दिए हैं, बरसाती दी है, अन्य कई सामान यहाँ पर आज नगर पालिका को हमने मुहैया करवाया है। और नगर पालिका अगर चाहेगी भविष्य में अगर कोई कमी पड़ेगी तो हंस फाउंडेशन पौड़ी नगर पालिका के साथ बराबर खड़ा है और पूरी मदद करेगा। मैं हंस फाउंडेशन के माननीय माता मंगले जी का और भोले महाराज जी का विशेष रूप से आभारी हूं और माननीय पद्मेंद्र सिंह बिष्ट जी टैगू भाई, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड के हंस फाउंडेशन के प्रभारी हैं, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा पिछले कोरोना काल में भी नगर पालिका को बिना हमारे रिक्वेस्ट के बिना भी उन्होंने सामग्री उपलब्ध कराई और इस समय भी उनके द्वारा जैसा उन्होंने तमाम सामग्री का ब्यौरा दिया है, मैं इसके लिए नगरपालिका परिषद की ओर से, अपने तमाम सभासदों की ओर से, पौड़ी के नागरिकों की ओर से आप तीनों विभूतियों को नमन करता हूं कि आपके द्वारा विशेषकर माता मंगला जी।
अल्मोड़ा की सल्ट सीट के उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना को आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुलदस्ता भेंट कर महेश जीना को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बता दें, महेश जीना 2 मई को सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सीट उनके भाई विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के कोरोना से निधन के बाद खाली हो गई थी। विधानसभा भवन में एक सादे कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में महेश जीना को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई गई। कम से कम समय है, आपको पता ही, अभी कोरोना काल भी आया है। इस कोरोना काल में आप देख ही रहे, लॉकडाउन में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और क्षेत्र में और भी समस्याएं, मेन समस्याएं जो मैंने सोची हैं वो मैं पानी के क्षेत्र में ही काम करने के बारे में मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि सड़कें तो मेरे भाई ने बहुत सी वहाँ बनाई हैं, उन सड़कों के अलावा जो छोटी हुई सड़कें उनको तो मैं पूरा करूँगा ही, लेकिन मैं पानी के क्षेत्र में ही ज़्यादा कार्य करने का भरोसा रखता हूँ। ठीक। कोरोना कर्फ्यू की वजह से लगातार बाजार बंद हैं, ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अब खराब होने लगी है। कई बार व्यापारी सरकार से दुकानों को खोलने के लिए छूट देने की मांग भी कर चुके हैं, मगर सरकार की ओर से अभी तक व्यापारियों को कोई राहत कोविड-19 के कहर को देखते हुए नहीं दी गई है। ऐसे में व्यापारियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए 1 जून से अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने का निर्णय ले लिया है। व्यापारियों का साफ कहना है कि व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ऐसे में व्यापारियों के सामने अपने प्रतिष्ठान खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथ जोशी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के लिए राज्य सुशीला तिवारी को अधिकृत किया गया है और चिकित्सालय के अंदर आइसोलेट वार्ड भी तैयार किया गया है। हल्द्वानी के अंदर फिलहाल 2 ब्लैक फंगस के मामले हैं जिनका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल रोग विशेषज्ञ की टीम तैयार है और सुशीला तिवारी और DRDO अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। जिले के अंदर 11 बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट चिकित्सालय से भी संपर्क किया जाएगा। बच्चों को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार बैठक कर जनसंपर्क किया जा रहा है। नैनीताल जिले में फिलहाल बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या कम है, उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं और सुशीला तिवारी चूंकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बेड खाली होने की वजह से उनको वहीं भेजा जा रहा है। तो कोरोना का चैलेंज कि ऑक्सीजन लेवल कम था, या मान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना खत्म हो गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही थी तो उसको संचालित किया जा रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर फिर वहीं शिफ्ट किया जाता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।